जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देखेंगे सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री दिगंबर जैन प्राचीन बड़ा मंदिर में विराजमान भूगर्भ से प्राप्त अतिशयकारी मनोज्ञ श्री शांतिनाथ भगवान की जिन प्रतिमा के सम्मुख 14वीं बार आयोजित 40 दिवसीय श्री शांतिनाथ महामंडल विधान के दुर्लभ दृश्य, जिसमें आचार्य चैत्य सागर जी महाराज ससंग का सानिध्य एवं मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसमें बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी के द्वारा विधान वाचन किया गया। विधानाचार्य पंडित आशीष शास्त्री जी के द्वारा इस क्षेत्र पर चतुर्दश बार 40 दिवसीय श्री शांतिनाथ विधान का शुभारंभ हुआ। बोलो 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 जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय बोलो कुंथुनाथ भगवान की जय बोलो अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवनी करेंगे प्रभु नवनी करेंगे हम सम सम तम तम पम पम चम 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 चीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जले जिनवी से चिंगामा। मैं चिंतन कर रहा था, मनन कर रहा था, विचार कर रहा था, एक दिगंबर मुनिराज को जब आप शुद्ध भोजन बनाते हैं और शुद्ध भोजन बनाने के बाद में जब पड़गान करते हैं तो हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ आहार जल शुद्ध है, ये सब बोलते हैं ना। उसके बाद मुनिराज की तीन परिक्रमा भी लगाते हैं आप, घर में ले जाके ऊंचे आसन भी देते हैं आप, पद प्रक्षाल भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, और उसके बाद द्रव्य बनाने के बाद में द्रव्य जो सामग्री है सामग्री के बाद में महाराज जी को ये जो जो बनाया आपने वो बोलते हैं, और उसके बाद में महाराज को तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, कितना भी तुमने शुद्ध भोजन बना लिया महाराज को एक श्रावक के ऊपर फिर भी विश्वास नहीं है। घर में पड़गान किया बार मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है, सब कुछ बोला, पद प्रक्षाल करी, पूजा करी, वो भी तुमने किया, जो द्रव्य बनाया वो द्रव्य सामग्री भी तुमने बता दी, खाद्य पदार्थ जो आहार के लिए बनाया, फिर भी महाराज को तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, फिर भी कहते हैं क्या बोलो मन शुद्धि, एक बार शुद्धि बोलो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है, बोलते हैं ना। लेकिन जिनेंद्र भगवान के सामने मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है आप बोलते हैं क्या? सामान्य व्यक्ति की शुद्धि और विशेष व्यक्ति की शुद्धि, दोनों की शुद्धियों में बहुत अंतर है। उदाहरण के लिए अगर कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी को आपने निमंत्रण दिया तो आपके घर में आ जाएंगे, अगर व्रती हैं तो हाथ जोड़ के बोल देंगे भोजन शुद्ध आप भोजन करिए, इतना ही बोलते हैं, इससे आगे बोलते नहीं हैं। लेकिन भगवान के अभिषेक के लिए आप इसी शुद्धि को प्राप्त ना माने, जब आप स्नान करते हैं एक सामान्य स्नान होता है एक विशेष स्नान होता है, तो भगवान के अभिषेक पूजा के लिए जो स्नान है हमारे श्रावकाचार्य संग्रह में कुंदकुंद आचार्य अमित गति आचार्य और आदि वसुनंदी आचार्य इन्होंने श्रावकाचार्य संग्रह करके चार भागों पांच भागों के अंदर श्रावकाचार्य संग्रह लिखा हुआ है, उसमें भगवान का अभिषेक करने के लिए यहाँ सकलीकरण भूमि शुद्धि जल शुद्धि यही प्राप्त नहीं बतलाया, जब भगत स्नान घर में
जब स्नान करते हैं तो मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उसके लिए भी दिशा बतलाइए कि भगवान का अभिषेक कर रहे हैं तो हमारी दिशा कौन सी होना चाहिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन सी दिशा होना चाहिए, वो दिशा बतलाइए। आज शांति विधान से करीबन 100 परिवारों ने यहाँ पर शांति धारा एवं शांति विधान करवाने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिसमें वर्तमान में उपस्थित श्री हरिश्चंद्र जैन, जितेंद्र जैन, अनुज जैन, आदि जैन, सची जैन, मनीषा जैन, गाजियाबाद वालों ने शांति धारा करने का एवं श्री रमेश चंदी जैन, अभिषेक जैन, सिद्धार्थ जैन, संगीता जैन, नेघा जैन, सिद्धिका जैन, साधरा दिल्ली वालों ने यहाँ पर शांति धारा करवाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री डॉक्टर भागचंद जैन एवं समस्त परिवार के कोरोना निवारण हेतु डॉक्टर प्रतीक जैन, डॉक्टर रत्ना जैन, चंद्रपुर महाराष्ट्र के भी कोरोना स्वास्थ्य लाभ के हेतु यहाँ पर शांति धारा की जा रही है एवं जितने भी विधान करवाने वाले एवं देखने सुनने वाले परिवार हैं सभी के प्रति, और भी जो हॉस्पिटलों के अंदर मरीज हैं, अन्य रोगों से भी ग्रसित हैं, उन सबके स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि हेतु श्री रीतिका जैन, बबीता जैन, अनिल जैन गाजियाबाद, अरुण कुमार जैन दिल्ली, देशना जैन, लब्धि जैन दिल्ली, चकेश कुमार, यथेश्वर जैन, चिन्मय जैन जयपुर, सुबोध कुमार जैन धर्ममतनी, श्रीमती मीनाक्षी जैन सुदर्शन फर्नीचर घाटनंदी भगत सैन मुजफ्फरनगर, श्रीमती विद्या देन, मुकेश जैन, सोनाक्षी जैन, साक्षी जैन, सजल जैन, समस्त परिवार गुण सराय झांसी, रविंद्र कुमार जैन, अलका जैन, आकृति जैन, अभिषेक जैन, विज्ञान जैन, सोनल जैन, अनुज जैन, सम्यक जैन, शशि जैन, तोपखाना मेरठ, मधु जैन मेरठ, श्री मनीष जैन सूर्यनगर गाजियाबाद, शेपाली जैन गाजियाबाद, निहारिका जैन गाजियाबाद, आर्यन जैन गाजियाबाद, नितिन जैन, नेघा जैन, निदा जैन बिजनौर, श्री अरविंद जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन बिजनौर, दीपक जैन, मनीषा जैन, सिद्धार्थ जैन, शुभ जैन न्यू देवपुरी मेरठ, श्री विजेंद्र जैन, नितिन जैन, नित्यम जैन मेरठ, संगीता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु मेरठ एवं समस्त संगीता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं समस्त उपस्थित दीपक कुमार जैन, मनीष जैन समस्त सा परिवार से, श्रीमान सब जैन के जन्मदिन पर संजीव जैन, रेणु जैन लोहा मंडी आगरा से सा परिवार से, श्रीमान बाबू राम जैन, सेवती देवी जैन धनसवाला जैन की पुण्य स्मृति में, मोतीलाल जैन, सुधीर जैन, रजनी जैन, प्रेमला जैन लंदन निवासी हस्तनापुर से सा परिवार से, श्रीमती रमा जैन, रमेश चंद जैन, पंकज जैन, देवांशु जैन, ए सुजैन पालम कॉलोनी दिल्ली से सा परिवार से, श्री अनिल कुमार जैन, मुकेश कुमार जैन महामंत्री, श्री दिगंबर जैन तीक्षित कमेटी हस्तनापुर से, नीरज जैन, अमरीत जैन शराब धर्म कुटीर शांति नगर मेरठ से सा परिवार से, श्रीमान प्रेमचंद जैन स्वर्गीय श्रीमती शशि जैन की आत्मा की शांति के लिए, श्रीमान प्रेमचंद जैन वसुंधरा गाजियाबाद से सपरिवार से, श्रीमती पद्मश्री जैन मातेश्वरी, श्री राजेंद्र कुमार जैन, सुमन जैन, सम्यक जैन जैन मंडी मबाना वाले सपरिवार, श्री पंकज जैन चेयरमैन पारस चैनल दिल्ली से सपरिवार, श्रीमान सुशील जैन, सुशीला जैन पुत्रियां, श्रीमती स्वप्निल जैन, विकास जैन, स्वाति जैन, वैभव जैन, तारा देवचीनी मोदी नगर सपरिवार, श्री रवि जैन, सुषमा जैन, निखिल जैन, रीतिका जैन, निर्वाण जैन, प्राची जैन, दिशा जैन राजनगर गाजियाबाद सपरिवार, श्री पवन कुमार जैन, श्यामा जी, रजनी जैन
अजय जैन, रूपाली जैन, राहुल जैन, वैशाली जैन, नव्या जैन, प्रियांशी जैन, बस्सर जैन, देवांश जैन, सदर सराफा बाजार मेरठ सा परिवार से श्रीमती फूलवती जैन, मातेश्वरी, श्री विजय कुमार जैन बैंक वाले, श्रीमती चक्री जैन, संजय जैन, पूनम जैन, स्तुति जैन, श्री राजीव जैन, दीना जैन, अंकिता जैन, वरुण जैन, सुरभि जैन, हर्षित जैन, वंदिता जैन, पारस जैन, रिद्धिमा जैन, संगीता जैन, संजय कुमार जैन, अमन जैन, वत्सल जैन, आनंदपुरी रेलवे रोड मेरठ सा परिवार, श्री प्रमोद जैन, सुमन जैन, उर्वर्ष जैन, रितिका जैन, धैर्य जैन, मुजफ्फरनगर सा परिवार, श्री रामभूल जैन, राजवाला जैन, सरधना सा परिवार, श्री अजीत प्रसाद जैन, दिल्ली सा परिवार, श्री वीरेंद्र कुमार एडवोकेट, श्रीमती प्रमोद जैन, वैशाली जैन, विकास जैन, सिद्धांत जैन, मुजफ्फरनगर सा परिवार। छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे हो जागो जग के प्राणी प्रभु जगाने आए बीड़ा मुरली धुंद भी बाजे माद बजा के जाए मोक्ष नगर में चलना ये तो शांति नाथ सरना लो गगन पंथ में बेबों द्वारा बड़े नगाड़े सुन लो ऐसे की वो देव दंदेवी को सुनतेगी एक कुएं के ऊपर मेढक पूर्व जन्म की पत्नी के ऊपर उछल रहा था ऐसे ही नगाड़ों को सुनतेगी और दिगंबर मुनिराज की बात को सुनतेगी कि ये पत्नी पर उछल रहा है ये और कोई नहीं ये इनका राजा पूर्व जन्म में इनका राजा था वही राजा ने मायाचारी के माध्यम से अपने राज्य का संचालन किया था उसी की परिणति एक है कि इसे आज मेटक बनना पड़ा लेकिन मुनिराज की बात को सुनतेगी और वो देवदुंदी की भी के सुनतेगी मेंढक के अंदर के भावों में परिवर्तन आता है अंदर की परिणति विपुलाचल पर्वत की ओर जाने को हो जाती है कि मुझे भी प्रभु के समो शरण में जाना है और मुह में पूर्व संस्कार के जो धर्म का सुना था कि खाली हाथ नहीं जाना है इसीलिए उसने क्या किया मुह में एक फूल की पाखुड़ी दबाई पाखुड़ी तो फूल की दबाई लेकिन यदर्चा भावे ने प्रमुदित मना दुर्दर है प्रमुदित मन से उत्साह के साथ से उमंग के साथ से और शरीर की शक्ति का बल्ला देखते हुए कहां विपुलाचल पर्वत गए और मैं कहां इतना सा कैसे जाऊंगा लेकिन भावों से मंजिल भी दूर नहीं लगती है जा रखा है बिल्कुल ओतप्रोत होकर के कि अब मुझे भी प्रभु की वाणी सुनना है कि अचानक बीच में राजा श्रेणी गजराज पर विराजित है हाथों में सोने की थाली है चांदी के अष्ट द्रव्य है गाजे बाजे है मंगल गीत गान भी है और ये तो भावों से फुदक फुदक कर जा ही रखा था कि उस गजराज के पैर के नीचे दबा और राजा श्रेणी तो वहीं पर अभी रास्ते में गई है और वह मेंढक कहां पहुंच गया समोसरण में पहुंच गया। पिछले काफी वर्षों से ये शांतिनाथ विधान यहां पर 40 दिनों का होता आया है इस बार कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हुआ है कोरोना के कारण यहां पे भीड़ भी कुछ कम है लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है सभी लोग अपने पाठ अपने जो है पाठ वर्चुअल उससे रेल वर्चुअल के हिसाब से अपने यहाँ पर लिखा रहे हैं और सब उसका लाभ ले रहे हैं मैं
भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये जो कोरोना महामारी इस संसार में फैली हुई है, इससे समस्त मानव जाति को मुक्त कराएं, आपकी अति कृपा होगी। बाकी यहाँ की जो कमेटी ये विधान रखती है 40 दिनों का, बहुत अच्छा है, इसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें भी मौका मिलता है, हर वर्ष हम भी एक विधान में, इस विधान में अवश्य आते हैं और अपने विधान भी लिखाते हैं। यहाँ ये शांतिनाथ विधान कई वर्षों से होता आ रहा है और मैं भी कई सालों से आ रहा था, लेकिन बीच में एक दो साल छूट गया था, लेकिन मैं राशि वहाँ से भेज देता था विधान के लिए। मेरी पत्नी की तबीयत खराब चल रही थी, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, इसलिए इस बार मैं फिर उनकी आत्मा की शांति के लिए शांति विधान के लिए आया हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये कोरोना काल में भगवान सबको शांति दे और सबको जल्दी से जल्दी इससे मुक्ति दिलाए। इस कोरोना काल में यहाँ पर अभी 40 दिन का शांतिनाथ विधान चल रहा है, जिसमें कि सभी लोग आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर संपूर्ण व्यवस्था की गई है पाठ में, ताकि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठ सकें तथा अपने आप को इस महामारी से बचाने के लिए शांतिनाथ विधान करें और यहाँ पर आकर आनंद प्राप्ति का और शुभ लाभ भी लें। मैंने दक्षिणाक्षरण में व्रत रखे थे और आज मुझे बहुत अच्छा लगा है नवन करके शांतिनाथ विधान में। मेरा नाम शची जैन है, मैं गाजियाबाद से हूँ। आज यहाँ पे हस्तिनापुर में हमने शांतिनाथ विधान करा और मुझे बहुत आनंद आया। उम्मीद है कि आप सब भी आकर यहाँ पे एक बार शांति विधान जरूर करें। हम सब यहाँ पर गाजियाबाद से आए हैं और शांतिनाथ विधान करने प्रति वर्ष आते हैं। इस मंगलकारी बेला में हम यहाँ पर रुकते हैं और शांति धारा करके पूरा और शांतिनाथ विधान करके बहुत मन को आनंद मिलता है और पुण्य अर्जन होता है। आप सभी से अनुरोध है, आप भी जरूर आएं और अपना विधान जरूर करें। छम छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे।